जिस चीज की आप इच्छा रख के उसके पीछे भागोगे ना, वो चीज आगे भागती है, और जिस चीज को पीठ दिखा के जाओगे वो आपके पीछे आती है। कि हर से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक, यह सत्य है, ये सृष्टि का नियम है। हर से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। इसीलिए कहते थे गुरु नानक को पकड़ लो, पेड़ को पकड़ लो, साया पीछे पीछे आ जाएगा। पदार्थों को पकड़ने भागोगे, पदार्थ हाथ में नहीं आएंगे, वो आगे भागेंगे। पदार्थ देने वाले को पकड़ लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लक्ष्मी के पीछे भागोगे, नारायण हाथ नहीं आएंगे, नारायण की शरण में आ जाओ, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस आखिरी पंक्ति में यही कहा है, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना, जो प्रभु के शरण में आ गया उसकी हर चीज ही उत्तम है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी मांग उत्तम, उसकी सोच उत्तम, उसकी कर्म उत्तम, हर कर्म उसका उत्तम हो जाएगा जो प्रभु की शरण में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा कह रहे हैं, मैंने ठोक बजाकर देख लिया है, कहते हैं ना किसी चीज़ को परख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस करके मैंने बात को पता कर लिया है कि जिस जिसने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पाया है, इन्हें जीता है, जिन्होंने अपनी जान इनसे छुड़ाई है, वो तभी पॉसिबल हुआ है जब तूने कृपा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठोक बजाए सब डिठिया, तो उसे आपे लयन छड़ाए, जो तूने जिसे छुड़ाया है, तूने जिसे खोला है बंधन से, वो छोटा है, अपने आप कोई नहीं छोटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपनी मेहनत से नहीं, उसके तरस से, गुरु प्रसाद से, उसकी मेहर से कोई छोटा है। हे वाहेगुरु मुझे भी छुड़ा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अरदास का शब्द है कि तरस कर, जिसे तू छुड़ाए वो छूट सकता है, मुझे भी छुड़ा लिया।